डिवीजन में पूरा 5 डिवीजनों में आज शादी मुबारक दिया जाए, बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ के आईडीओ साहब, एमआरओ साहब, कारपोरेटर साहब, पर पूरे पार्टी के लोग आए हुए, मीडिया भाइयों भी। आज हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को 1,16,000 रुपए दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, तो ये गरीबों की दुआ है साहब का। एक ही बोलते सीएम साहब ने, मेरे मुसलमान भाइयों में भी गरीब लोग हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल से जीते हैं। गरीब हो अमीर हो, सबको देना बोल के आज शादी मुबारक दे रहे हैं। तेलंगाना नहीं आया सो पहले मुख्यमंत्री साहब नहीं बोले थे, मैं ये दे तो बोल के तो नहीं बोले, मगर उन्होंने दिल में सोच के मैं पब्लिक के लिए क्या करना, क्या करे तो मेरे माँ बहन मेरे बेटे अच्छे रहते बोल के, मैं एक बड़े भाई के सरीका, बड़े मामू के सरीका रहता हूँ बोल के आज शादी मुबारक दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। एक ही नहीं है, जब तेलंगाना आने के बाद हिंदू हो मुस्लिम हो हर कस्म के लोग बहुत खुशी से भाई बंदी से जी रहे हैं। हैदराबाद में तेलंगाना में कभी फिरके नहीं है। आप लैंड आर्डर देख रहे हैं कितना अच्छी लैंड आर्डर है, पूरे भारत देश में कहीं नहीं है, मगर हमने तेलंगाना में बहुत अच्छी लैंड आर्डर है। पब्लिक का सेवा करने के वास्ते हमारे सीएम साहब ने कर रहे हैं, हमारे केटीआर साहब आईटी शाखा मंत्री, अब उन्होंने भी हैदराबाद में देख रहे हैं नौजवान कैसा डेवलप करना, पब्लिक को कैसे आगे लेके चलना। अपन लड़के तेलंगाना ला लिए, तेलंगाना में पब्लिक पूरी खुशी रहना बोल के इसके स्कीम में लगा के बहुत आज खुशी से तेलंगाना चल रहा है। उस वजह से मैं भी बोलने का हमारे मुसलमान भाइयों को, आप लोग अभी टाइम आया सबूत केसीआर साहब को नहीं भूलना, उनको आप लोग दुआ देना, 5 बार नमाज पढ़ते केसीआर के लिए भी थोड़ा दुआ देना चाहिए बोल के बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ कुछ कम आज 170 आए, 170 बोले तो 1,70,00,000 रुपये, अपन बोलते 1,00,000 रुपये बोल के दिख रहा है यहाँ पर, मगर 1,70,00,000 रुपये आए, और वो पब्लिक बहुत खुशी है। अब आज हमारी भाई ने एक जने बात कर देखे केसीआर के लिए, हम हर वक्त नमाज पे उनको दुआ लेंगे बोले, बहुत खुशी की बात है।